डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ है, क्लास सिक्स का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 7.2। तो इसके पहले का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए कह रहा है इसको, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। और यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन नंबर थ्री में, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो मतलब इसको जो है ऐसा बनाना है और इसको जो है ऐसा बनाना है, तो ये काफ़ी इजी होता है। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर टू। और इसको बनाना काफ़ी इजी होता है, आसान होता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं पहला जो है आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बनाते हैं। यह एक दो ठो मैं डिटेल करके बना देता हूँ, जैसे कि 20/3 है, तो इसको क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है। डिवाइड दे देते हैं, 3 से 20 को डिवाइड देना है। कितने बार में गया, 3 6 18 हो गया, 18 बचा, कितना 2 बच गया। तो ये जो है जो कॉसेंट है वो बीच में रहेगा, यहाँ पे इस तरह से 6, एंड ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो 2/3, नीचे में जो 3 है वो नीचे ही रहेगा, मतलब 6 एंड 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। और बी नंबर में चलिए सब डिटेल करके ही बना देते हैं। बी नंबर में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 11 को इस तरह से, 5 2 10 हो गया, 5 2 10, तो इसको 10 माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा। तो ये जो है बीच में रहेगा, ये 2 नीचे वाला ऊपर और नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा, 2 एंड 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है 17/7, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, कितना हो गया 17, तो 7 2 14 होता है, 7 3 21, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 2 14 हो गया, कितना बचा 3। इसका मतलब है कि 2 एंड 3/7, 7 हमेशा नीचे ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। डी नंबर लेते हैं, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 28/5, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 28 कितने बार में जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना 30 आ जाएगा। तो 25 कितना बच गया, 3, ये कट गया, तो 5 जो है यहाँ आ जाएगा, 5 एंड 3/5, ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें ई नंबर और एफ नंबर दो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा 19, तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, यहाँ पे 1 बच गया, ये हो गया। अब ये 3 यहाँ पे बीच में आ जाएगा और 1/6, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एफ़ नंबर में, तो एफ़ नंबर में 9 से देना है, तो 9 से दे देते हैं 35 को, कितने बार में जाएगा, 9 5 जा 45 होता है, ज़्यादा हो रहा है, 9 4 जा 36 हो रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 में से 7, तो यहाँ 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 3 एंड 8/9, ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, अभी जो हम लोग 2 नंबर बनाए हैं उसका जस्ट उल्टा है, वहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो इसको बनाना काफ़ी ईजी होता है, क्या करना है इसको, सबसे पहले इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, उसे डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं एक दो ठो पहले डिटेल करके बना देता हूँ। जैसे यहाँ 4 हो गया, तो 4 × 7 हो गया, +3, और फिर /4 रहेगा, नीचे नीचे रहेगा ये। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 28 और 3, तो 2 30 हो गया, और 1 30 31 हो गया, तो यहाँ पे 31 और नीचे में 4 जो है वो रहेगा ही, तो इसका आंसर ये हो गया। बी नंबर में उसी तरह से दिया है, 5 एंड 6/7, इसको क्या करना है, 7 × 5 और +6/7, कितना हो गया, 7 5 जा 35 हुआ, 35 और 5 देंगे तो 40 हो जाएगा, और 1 41 हो गया, तो 41/7, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में 2 एंड 5/6, तो इसको क्या करेंगे, 6 × 2 + 5/6, 6 2 जा 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, 17/6, ये आंसर हो गया। और डी नंबर में, डी दिया हुआ है 10
एंड 3/5 इक्वल टू यहाँ पे 5 × 10 50 हो गया, प्लस 53/5 ये हो गया 53/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ई नंबर में क्या दिया हुआ है 9 × 3/7 तो यहाँ पे कितना हो गया 7 × 9 63 होता है, प्लस 3 66 हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो इक्वल टू 66/7 ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बचा हुआ है एफ नंबर में दिया हुआ है 8 × 4/9 तो यहाँ पे 9 × 8 8 × 9 = 72 हो गया, प्लस 72 × 4 = 76 हो गया और नीचे में 9 ही रहेगा तो 76/9 ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज था तो आप लोगों को निश्चित रूप से कोई डाउट बिल्कुल भी बचा नहीं होगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो पर सॉल्व करते हैं हम लोग।